दोस्तों i20 बहुत ही टाइम से वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार ऑफ इंडिया रही है, बहुत ही लोगों की ये नंबर वन पसंद भी रही है और अब आ गया है, आने जा रहा है इसका थर्ड जनरेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, कैसी गाड़ी होने वाली है, कैसे इंजन के साथ ये आने वाली है, क्या और इसमें जो है आपको फीचर्स एंड सेफ्टी मिलने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत पाल, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो के एंड में। दोस्तों फ्रंट से देखने पर ये कार बहुत ही खूबसूरत और स्पोर्टी लग रही है और इसका फ्रंट प्रोफाइल अगर आप ध्यान से देखें, बड़ी ग्रिल के साथ ये जो है मार्केट में आएगी और इसमें आपको प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स, फॉग लैम्प्स, ये सारी चीज़ें मिलेगी। काफ़ी ही स्पोर्टी और कर्वी लुक जो दिया गया है, जैसे कि आप पिक्चर्स में वीडियो में देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल पर देखें तो इसके साथ 16 इंचेस अलॉय जो आने की पूरी संभावना है और अलॉय देखने में भी बड़े खूबसूरत हैं। कर्व्स आप देख सकते हैं साइड पर भी काफ़ी हैं। सी पिलर पे आप देख सकते हैं जो स्पोर्ट लुक देने के लिए क्रोम और ब्लैक ग्लास का यूज़ किया गया है कार के ऊपर, और बैक जो टेल लाइट में LEDs का यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से इस पे प्रेजेंट की गई हैं। रियर को भी फुली स्पोर्टी लुक दिया गया है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आजकल वैसे भी स्पोर्टी कार्स का बड़ा ही ट्रेंड चल रहा है, हर कंपनी अपनी कार को ऐसे ही प्रेजेंट कर रही है जैसे कि वो एक स्पोर्ट्स कार हो, जो कि इस कार में भी पूरी तरह दिखाई देता है। जो कि करंटली फेसलिफ्ट चल रहा है उसमें जो नंबर प्लेट हैच पे आती थी उसको फिर से वापस बम्पर पे ले जाया गया है इस थर्ड जनरेशन i20 में। दोस्तों ये i20 सारे के सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ आने वाली है। दोस्तों इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर भी रीडिज़ाइन है, नई क्रेटा के साथ मिलता जुलता इंटीरियर है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होने वाला है सारी की सारी फैसिलिटीज़ के साथ, लेकिन इंडियन मॉडल में 10.25 इंचेस के बजाय 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आने की पूरी संभावना है। डैशबोर्ड का लेआउट देखें तो वो भी बहुत खूबसूरत है और इस गाड़ी में आपको 8 बॉस के जो स्पीकर सिस्टम है वो मिलने वाले हैं। दोस्तों एम्बियंस लाइट बहुत ही खूबसूरत है और कार की जो लग्जूरियसनेस को और बढ़ाती है। दोस्तों MID डिस्प्ले भी आपको कलर स्क्रीन मिलेगा जिसमें सारे के सारे फीचर्स होंगे। दोस्तों इसमें आपको वायरलेस फ़ोन चार्जिंग का फीचर भी मिलेगा। एग्जिस्टिंग सभी फीचर्स के साथ इसमें जो है क्रूज कंट्रोल भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा ये कार स्मार्ट सेंस ड्राइविंग असिस्टेंट के साथ आएगी जिसमें आगे गाड़ी होने पर ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगी। कार के सितंबर में लॉन्च होने की दोस्तों पूरी संभावना है। दोस्तों इंजन की बात करें तो पेट्रोल में ये 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जो कि 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ होगा लॉन्च की जाएगी, और डीजल में 1.5 लीटर 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ ये लॉन्च की जाएगी। और दोनों में ही दोस्तों पेट्रोल एंड डीजल में AMT होने की पूरी संभावना है। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 5,70,000 से लेकर 10,00,000 तक हो सकता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आप क्या इस कार को लेके एक्साइटेड हैं, क्या आप इसको लेने का सोच रहे हैं और आपको इस कार के बारे में क्या क्या अच्छा लगा। थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।